हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का प्रिय प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूं आज का दिन आपका शुभ बीतरा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं रेती बंदर और विसर्जन के लिए। तो फिर जैसे हम लोग नहीं उतरे ना, वैसे हमारी आरती जो शुरू होगी। ये लास्ट आरती होती है, विदाई आरती होती है, जिसमें हम लोग है ना दिल से गाते हैं। सब लोग दिल से गा रहे थे, चाची और सब लोग की आंखों से आंसू आ गए क्योंकि 9 दिन तक ये हमारे साथ रही। और फिर उसके बाद आज जा रहे हैं तो फिर सबके जो दिल है वो भारी हो चुका था। और एक एक करके सबने आरती लिया। खाना जो है ये जो नारियल है इनके ऊपर से वार के इसको है ना फोड़ेंगे और ये एज अ प्रसाद के तौर पर लेके जाएंगे हम लोग। फ्रेंड्स, हम लोग ने टोकन वगैरह ले लिया है ताकि ये ना हमारा जो नंबर है फटक से आ जाए और पंकज आए और बोलते हैं कि हमारा जो नंबर है वो आ चुका है विसर्जन का, चलो जल्दी जाते हैं। तो फिर हम लोग ने ना ये जो मूर्ति है वो ले लिए और आगे चलने लगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब सिस्टम से चलता है। आप है ना अगर टोकन नहीं लोगे तो आपका नंबर जल्दी नहीं आएगा और टोकन लेने के बाद आपका ही नंबर आएगा और कोई और नहीं जा सकता है। उसके अंदर धक्का मुक्की भी नहीं होगी। यहाँ पर विसर्जन के लिए आपको यहाँ पर एक रैक है उसके ऊपर रख देना है सब कुछ और वो उनका जो बंदा है वो लेकर जाएगा विसर्जन के लिए। आपको है ना बोर्ड तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रख के आप चली जाओ और आपका जो मूर्ति है जो भी है वो विसर्जन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस दौरान ना लोग ना दारू पी के भी आते हैं और मारपीट करने लगते हैं, तो इस वजह से हमें पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा है और सब कुछ का ध्यान अच्छे से रखते हैं। हमारी जो मूर्ति है वो जा चुकी है, ऊपर चढ़ा दिए हैं और एक एक करके जितने भी चीज़ें वहाँ पर थी वो सब एक एक साथ चढ़ा रहे हैं और इस पानी वाले जो है बना हुआ इसके ऊपर रखेंगे और बीच में लेके जाके विसर्जन कर देंगे। चलिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ क्या क्या है उसके ऊपर। हमारा जो चीज़ें हैं वो रख दी गए हैं और अब जा रहा है विसर्जन के लिए। इसके ऊपर है ना मूर्ति वगैरह है, एकदम जूम करके दिखाने पे थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है क्योंकि ये बहुत दूर है और हम लोग बहुत दूर से शूट कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो भी सात जो का झाड़ निकला था ना वो है, गरबा है, सब कुछ उधर रहे और वो सब एक एक करके विसर्जन करेंगे। सबसे पहले ना वो जो झाड़ वगैरह निकला है ना वो विसर्जन करेंगे, फिर लास्ट में मूर्ति विसर्जन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये दूसरे दिन साफ़ कर लिए जाएगी और जो घाड़ी है ना ये वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। दूसरे दिन सब साफ़ सुथरा कर देते हैं, ये ना एज अ गवर्नमेंट नहीं बनाया है सारी चीज़ें करने के लिए। अब ये देखिए बड़ी सी मूर्ति भी आ गई है यहाँ पर। इन लोग को बोल रहे हैं रुको रुको, वो दूर है अभी आएगा तो फिर लेके जाना। तो फिर हमारा जो मूर्ति है वो भी विसर्जन होने जा रहा है। ये देखिए एक करके डुबकी मारेंगे और इसके पास छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ये रिस्की काम होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये छोड़ते समय ना इंसान गिर भी जाता है पानी में। जिसको तैरना नहीं आता है वो तो डूब जाएगा, जिसको तैरना आता है वो बच जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हुई, जैसे उन्होंने ना हमारी जो मूर्ति है वो छोड़ी वैसे वो भी है ना नीचे गिर गए। इसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल लिए क्योंकि हमारा जो मूर्ति विसर्जन है वो हो चुका है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा खाली हो चुका है और बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं वो आने लगी है। ये देखिए कितनी सुंदर है ना मूर्तियाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। यहाँ पर आते समय जितनी ट्रैफिक नहीं थी पर जाते समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। यहाँ पर इन लोग को ना पॉपकॉर्न लिया है खाने के लिए और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर के यहाँ पर। यहाँ पर फिर से आरती होने के बाद सबको पुलाव और रायता और गुलाब जामुन सर्व किया जा रहा है जितने लोग आए थे यहाँ पर। और रात को है ना चाची का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ क्योंकि आज चाची का बर्थडे भी था और माता रानी का विसर्जन भी था। तो इस वजह से जाने से सब मेहमान जाने के बाद केक वगैरह लेके आए हैं चाची का बर्थडे सेलिब्रेशन करने। हैप्पी बर्थडे टू यू,
दादी को बोल हैप्पी बर्थडे। फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेशन और घर के काम करते करते ना रात के 12 बज चुके थे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था। दूसरे दिन पीयू प्रिंस का जो है स्कूल था, क्योंकि दशमी के दिन ही स्कूल की छुट्टी थी, बाकी उस दूसरे दिन स्कूल रहता है बच्चों का। अब चाची साहब जो है अपने लड्डू गोपाल को है ना वह भूख लगा रहे हैं केक का। केक जो है था वेज था, इस वजह से लड्डू गोपाल और राधा रानी को भूख लगा रहे हैं। और आज का जो वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद, और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बाय।